नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पानी की किल्लत यूं तो पूरे जिले भर में है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जिला अस्पताल की। जिला अस्पताल की हालत तो वैसे ही खराब है, और रहा अगर पानी की बात की जाए तो पानी के नाम पर मरीजों को दर दर भटकना पड़ता है और उन्हें बाहर से पैसे देकर पानी खरीदना पड़ता है। यूं तो कहने के नाम पर 500-500 लीटर के दो वाटर कूलर जिला अस्पताल ने लगा रखे हैं, लेकिन उनसे पानी मरीजों को नहीं मिल पाता। दरअसल इसके पीछे एक बात जो सामने आई है वो ये है कि इस वाटर कूलर से जो अस्पताल के बाउंड्री के बाहर जो दुकानदार हैं, जो ठेले हैं और गुमटियां लगाए रखे हैं, ये दुकानदार अंदर जाकर 20-20 लीटर की केन और बाल्टियां भरकर पानी ले जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी पड़ जाती है और मरीजों को पानी नहीं मिल पाता। कई बार जो वॉचमैन अगर इनको रोकते हैं तो ये दुकानदार लड़ने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। ऐसे में इस ठंडे पानी का उपयोग ज़्यादातर इन दुकानदारों द्वारा जबरन किया जा रहा है और मरीजों को बाहर दुकानों से पानी खरीदना पड़ता है। हालांकि एक बात और भी है कि यहाँ पर कई लोगों के द्वारा, समाजसेवियों द्वारा पानी देने की पहल की गई थी, लेकिन वो पानी भी मरीजों के लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। पानी नहीं है, पानी है। अच्छा, कब से परेशान हो रहे? अभी आए देखा तो उसमें पानी नहीं है। पानी नहीं मिला बच्चे के लिए पीने के लिए। अच्छा, कब से? ज्यादा ठंडा पानी पीना है, उसमें है ही नहीं है। और जी बोतलें रखी तो ही है जी, सब खाली रखी पीछे। यानी कि समय चगड़बड़ है, पानी नहीं मिल रहा। कौन टंकी में नहीं है ना, कौन मटकान में, सब मटका खाली जा रही है, ये सब खाली जा रहा है। कहाँ है पानी? खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।